Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीरी वाजवान में कबाब कैसे बनाए जाते हैं. ये काफ़ी हाईलाइट रिक्वेस्टेड रेसिपी थी एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस डिशेस ऑफ द कश्मीरी वाजवान. तो जो ये फुटेज है ये एक वाजवान से ली गई है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि 1 kg के अकॉर्डिंग आप कैसे बनाइएगा. ट्राई टू गेट फ्रेश मीट, क्योंकि जितना मीट फ्रेश होगा उतना आपके कबाब्स विल बी गुड एंड दे विल स्टिक टू द स्क्यूअर. सो ट्राई टू गेट फ्रेश मीट. सो यू हैव टू टेक 1 kg ऑफ मटन एंड देन यू हैव टू मिंस इट. तो मिंस करने के लिए यू कैन यूज़ द थिंग्स दैट आई हैव शोन यू हियर व्हिच आर अवेलेबल इन मोस्ट कश्मीरी होम्स. मगर अगर आपके पास नहीं है, यू आउट ऑफ कश्मीर और यू डोंट हैव दीज थिंग्स, तो आप एक फूड प्रोसेसर और मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं. यू हैव टू पुट योर द मटन इन द फूड प्रोसेसर एंड देन यू हैव टू मिंस इट एंड यू हैव टू ऐड 1 tablespoon एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और सॉल्ट ऐड करना है और मिंस करते जाना है जब तक ना ये मिक्स हो. अगर आप फूड प्रोसेसर में बनाएंगे तो आपके कबाब्स का टेस्ट एंड टेक्सचर में वैरी, इट विल बी डिफरेंट. सो इसीलिए वाजवान में कश्मीर में ऐसे किया जाता है मिंस मटन को, क्योंकि इस तरह जो मटन है वो सॉफ्ट भी रहता है और जूसी भी रहता है एंड द कबाब्स वो ड्राई नहीं हो जाते हैं, वो जूसी ही रहते हैं. सो इफ़ यू कैन फाइंड दीज थिंग्स एट योर होम प्लीज़ ट्राई टू यूज़ इट एंड इफ़ यू कांट देन यू कैन यूज़ अ फूड प्रोसेसर. तो यहाँ पे हमने 1 tablespoon एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है फॉर 1 kg और 1 चम्मच सॉल्ट का डाला है. अभी मिक्स करना है और तब तक मिंस करना जब तक ना इसमें लाल मिर्च मिक्स ना हो. सो हियर यू कैन सी कि इसका टेक्सचर फाइन हो गया है. पहले से काफ़ी जो मीट है ये स्मॉल पीसेस में कट चुका है एंड काफ़ी फाइन हो गया है टेक्सचर. सो ही कीप्स ऑन मिंसिंग इट जब तक ना इसको डिज़ायर्ड टेक्सचर मिले. आपको फूड प्रोसेसर में इट विल बिकम ऑफ दिस टेक्सचर इन 1 or 2 go. सो यू कैन सी हाउ ही इज़ डूइंग इट. और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा मिंसिंग इट, देन यू हैव टू कीप इट असाइड फॉर ऑलमोस्ट 1 to 2 hours सो दैट जो ये जूसेस है मटन के ये लीव हो और इसकी स्टिकीनेस भी रहे. इस स्टेज में आपको मटन को रखना है विदाउट टचिंग इट असाइड फॉर अबाउट 1 hour or 2 hours. Here you can see. उसके बाद 1 or 2 hour के बाद आपको 1 बड़ी चम्मच हल्दी का डालना है और 1 बड़ी चम्मच जीरा का. सो आई एम एडिंग 1 tablespoon ऑफ टर्मरिक एंड 1 tablespoon ऑफ क्यूमिन सीड्स हियर. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू एड एग्स. तो अंडे आपको डालने हैं 2 eggs फॉर 1 kg. 2 eggs आपको 1 kilo के हिसाब से डालने हैं एंड देन यू हैव टू नीड इट जस्ट लाइक यू नीड आटा फ्लावर. जिस तरह आप एक आटे को नीड करते हैं आपको उसी तरीके से इसमें एग और ये स्पाइसेस मिक्स करने हैं सो दैट इसमें अच्छे तरीके से स्पाइसेस मिक्स हो. हियर यू कैन सी ही इज नीडिंग द मीट, द मिंस्ड मीट एंड नाउ ही हैज़ मेड बॉल्स, स्मॉल बॉल्स आउट ऑफ इट. तो ये बॉल्स यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू योर ओन विश. इफ़ यू वॉन्ट चंकी और लार्जर कबाब्स यू कैन मेक बिगर बॉल्स. सो जब ये बॉल्स बनाते हैं ना इनको स्क्यूअर पे रखना पड़ेगा. सो आई एम शोइंग यू हाउ इट्स डन. सो आप एक स्क्यूअर लेंगे और उस पर जो बॉल्स ऑफ मीट है मिंस मीट इसको ऐसे स्प्रेड करेंगे. आपको बीच बीच में वाटर डिप में डिप करना है अपना हैंड सो दैट द मीट डजेंट फॉल ऑफ फ्रॉम द स्क्यूअर. तो इस तरीके से वाटर में डिप करके जब आप स्क्यूअर पे मीट रखेंगे द मीट वॉन्ट फॉल ऑफ, स्टिक करेगा स्क्यूअर पे. So here you can see how it's done. तो इस तरीके से इन्होंने इस मीन्स मीट बॉल को स्प्रेड किया स्क्यूअर पे और इसी तरीके से ये सारे कबाब्स बनाएंगे. So since it was made for a wazwan and he had made make a lot of them, so they are making a larger kebab and they are using 2 balls on the same skewer. You don't need to do this, you can use a single one according to your own need and wish. So here you can see ki kaise apne hands dip karte hain water mein and then they spread the ball, mutton ball means mutton ball, and ab ye isko
इस तरीके से तैयार करते हैं। यहाँ पे चारकोल रखा गया है तो उस पर इसको तैयार करते हैं। इसी तरीके से ये सारे कबाब्स बनाएंगे, स्कीवर पे स्प्रेड करेंगे एंड देन ही विल पुट इट ऑन द चारकोल, बर्निंग चारकोल, एंड योर कबाब्स विल बी रेडी। इफ़ यू डोंट हैव बर्निंग चारकोल एट होम, यू कैन कुक देम ऑन गैस और वट एवर यू फाइंड एट होम, बट इट्स बेस्ट इफ़ यू विल यूज़ द चारकोल बिकॉज दे विल गिव यू द स्मोकी फ्लेवर एज वेल। So here you can see अब इन्हें स्कीवर से उतारे हैं when they are done and this is how they look and you don't need to fry them, you can fry them if you want at home but in the Wazwaan they are not fried, इसी तरीके से खाए जाते हैं। Thank you for watching this recipe, please try this at home and let me know in the comments if you like this video or not।